हेलो माय लवली वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल बुक एंड कुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन स्टिक्स बनाने की रेसिपी, जिसे चिकन कांडी भी कहा जाता है। ये परफेक्टली स्ट्रीट स्टाइल में बनके तैयार होते हैं। बहुत आसान सा और क्विक सा ये स्नैक्स है, कम झंझट के साथ, और बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 250 ग्राम्स मैंने बोनलेस चिकन लिया है, जिसे पहले अच्छे से वॉश किया है। इसमें ऐड कर लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। एक चम्मच यहाँ पर मैंने डार्क सोया सॉस ऐड किया है, साथ ही में एक चम्मच रेड चिली सॉस भी ऐड कर लेते हैं। फिर यहाँ मैंने लिया है धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला भी लिया है और नमक टेस्ट के हिसाब से। तो सारे मसालों को इसमें ऐड कर देंगे। और इसी के साथ यहाँ पर मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर रही हूँ। कॉर्नफ्लावर से चिकन पर अच्छे से कोटिंग आ जाती है, काफ़ी क्रिस्प सा हमारा ये स्नैक्स बन जाता है। सारे मसालों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर यहाँ पर मैं 1 चम्मच ना चाट मसाला भी ऐड कर रही हूँ, जिससे कि हमारा चिकन काफ़ी चटपटा सा बन के तैयार हो। मिला लेते हैं अच्छे से। और फिर हमें ना चिकन को मैरिनेशन के लिए 15 मिनट के लिए रखना है। तो देखिए, यहाँ पर चिकन पर मसाला हमने अच्छे से लगा दिया है, इसे साइड में रख देते हैं 15 मिनट के लिए। तब तक यहाँ पर हम इसे कोट करने के लिए हमें अंडा चाहिए, तो पहले हम अंडे को फोड़ लेते हैं। इसे अच्छे से फेंट लेंगे। और फिर यहाँ पर ना मैं 2 चम्मच दूध ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होगा, जब आप इसे फ्राई करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा झाग नहीं बनते हैं, तो दूध ऐड करने से आपके ऑयल में ज़्यादा झाग नहीं होंगे। इसे भी साइड में रख देते हैं। तब तक हमारा चिकन भी तैयार हो गया है। अब एक एक करके हमें इस तरह से स्कीवर्स लेना है। ये स्टिक्स आप ले लीजिए, आसानी से मिल जाती है। और इसमें हम एक एक करके ये जो चिकन के पीसेस है ना, इसे हम डाल देंगे। तो चिकन के पीस ना आपको बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लेना है। अगर मोटा सा या बड़ा पीस है ना, तो उसे सेंटर में से आप कट कर ले। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा फ्लैट पीसेस चाहिए, जिससे कि अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, फ्राई होकर गल जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा मोटे मोटे से पीस होंगे तो वो पकेंगे नहीं। तो देखिए, मैंने इस तरह से ये फ्लैट कर लिया है इसे, और एक एक स्टिक्स में हम इस तरह से लगा देंगे। इसी तरह मैं सारे स्क्यूअर्स तैयार कर लूँगी। तो देखिए, बस आपको चिकन को मैरिनेट करना है और इस तरह से ये स्क्यूअर्स में लगा देना है। काफ़ी आसान सा और क्विक स्नैक्स बन के तैयार होता है हमारा ये चिकन का, और साथ में टेस्टी भी बनता है। तो देखिए, मैंने ये सारे स्टिक्स पहले तैयार कर लिए हैं। अब चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर ना मैंने मैदा लिया है, तो पहले इस तरह से हम इसे मैदे में सभी साइड से अच्छे से पलट पलट के कोट करेंगे, और फिर अंडे में डिप कर लेंगे। फिर यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, तो ब्रेड क्रम्स से इसे कोट करेंगे, जिससे कि इसके ऊपर एक बहुत ही क्रिस्पी सी लेयर बन के तैयार होती है। यहाँ ब्रेड क्रम्स की जगह आप जो सेवई आती है ना, उसे क्रश करके भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये स्टिक्स काफ़ी क्रिस्पी बन जाती है। तो देखिए, सेम प्रोसेस को हम रिपीट कर लेंगे। पहले मैदे में कोट करेंगे, फिर अंडे में कोट करेंगे, और फिर ब्रेड क्रम्स अप्लाई कर लेंगे। तो ब्रेड क्रम्स अच्छे से इस तरह से दबा दबा कर लगाइए। तो देखिए, हमारी ये स्टिक तैयार है। इसी तरह से मैंने सारी स्टिक्स बनाकर तैयार कर लिए। आप चाहें तो स्टेज पर इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब इसे फ्राई कर लेते हैं जल्दी से। तो फ्लेम को मैंने मीडियम किया हुआ है। इसे 1 से 2 बार पलट पलट के फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, चिकन को हमने काफ़ी फ्लैट सा लिया है, तो वो बहुत आसानी से पक जाता है, बिल्कुल वक्त नहीं लेता है। और ये देखिए, इस पर कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है हमारे स्टिक्स पर। तो इस तरह के ये जो स्नैक्स है ना, रमज़ान में मुंबई में काफ़ी पॉपुलर है। ये स्टिक्स पॉपुलर है। फिर जो मटन कटलेट है, वो आपको आसानी से मिल जाते हैं, हलवा पराठा है, और इसी तरह की सारी रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है। मुंबई के पॉपुलर स्नैक्स रेसिपीज़ जो कॉमनली रमज़ान में इफ्तार के लिए मिलते हैं, तो अगर आपने वो सारी रेसिपीज़ मिस की है, तो आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारी सारी ये स्टिक्स बन के तैयार हो गई है। काफ़ी क्रिस्पी सी ये बनी है, खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। तो आप भी इस तरह का स्नैक्स ज़रूर ट्राई कीजिए। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे खाकर तो आपको मज़ा आएगा ही, लेकिन बनाने में भी बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए, बटरफ्लाई चिकन बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 250 ग्राम्स बोनलेस चिकन लिया है, जिसे इस तरह के बड़े क्यूब्स में कट किया है। तो इसे पहले हम मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेशन के लिए यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ हरा धनिया, पुदीना और हरे मिर्च को मैंने इस तरह से ग्राइंड करके इसका पेस्ट तैयार किया है। इसे ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। नेक्स्ट
एक चम्मच भर के हंगर्ड ले रही हूँ, यानी कि जो गाढ़ा वाला दही होता है जिसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आधे नींबू का रस ऐड कर लेंगे। फिर ऐड करेंगे कुछ मसाले, एक चम्मच तंदूरी मसाला, आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर। सारे ही मसालों को हम चिकन में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ये ग्रीन मसाला बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने आधा चम्मच फूड कलर भी लिया है। तो ग्रीन फूड कलर मैंने ऐड किया है, यहाँ पर जो हरियाली वाला मसाला होता है ना, वो वाले हरे मसाले हमने ऐड किए हैं, इसलिए रेड चिल्ली पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए सारे मसाले अच्छे से कंबाइन हो गए हैं चिकन के साथ। फिर लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे एक चम्मच कॉर्नफ्लावर, ज़रूर से ऐड कीजिए। इससे क्या होता है, जो भी मसाले आपने चिकन पर लगाए हैं ये तेल पर में फ्राई करते हुए बिल्कुल भी छूटेंगे नहीं, ये अच्छे से सेट हो जाता है। मिक्स कर लिया अच्छे से और फिर चिकन को रख देंगे साइड में 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिए हैं आलू के कुछ स्लाइसेस, तो आप छोटे बड़े कोई भी साइज़ के आलू का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आपको इस तरह के स्लाइसेस कट करना है, ना बहुत पतले ना बहुत मोटे, मीडियम स्लाइसेस चाहिए। इसे पानी में रख दिया है ताकि आलू काले ना पड़े। नेक्स्ट एक दूसरे बोल में ले रही हूँ पानी, यहाँ पानी में मैं ऐड कर दूंगी आधा चम्मच नमक, नमक के साथ ऐड कर लेंगे इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा मैं येलो फूड कलर भी ऐड कर रही हूँ, पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप कर दें। मिला लेंगे इसे अच्छे से और फिर जो हमने आलू के स्लाइसेस कट करके रखे हुए हैं ना, वो सारे स्लाइसेस को हम इस स्लरी में डाल देंगे और 5 मिनट के लिए इसे इसी स्लरी में रहने देंगे। इससे क्या होगा, जो आलू है कॉर्नफ्लावर की वजह से वो क्रिस्प हो जाएंगे और नमक की वजह से हल्की सी उसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी, जिससे कि बेंड करने में वो टूटेंगे नहीं। तो देखिए चिकन को 10 मिनट हो गया है, अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब आपको क्या करना है, एक एक करके हम ये आलू के स्लाइसेस लेंगे, सेंटर में एक चिकन का पीस रखना है, आलू को हल्का सा हम बेंड करेंगे। तो देखिए ये सॉफ्ट होने की वजह से बहुत आसानी से बेंड हो जाते हैं और फिर एक टूथपिक हम इस तरह से आलू और चिकन के साथ सेंटर में प्रिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये एक बटरफ्लाई चिकन बनके तैयार है। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम ये बाकी के भी पीसेस तैयार कर लेंगे। तो देखिए स्पेशली बच्चों को बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगती है इस तरह की रेसिपीज, तो बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो आप इसे खाने में एंजॉय करोगे और साथ में बनाने में भी एंजॉय करोगे। तो इस तरह से हम ये सारे ही चिकन को तैयार कर लेंगे। आप बड़े साइज़ के आलू, छोटे साइज़ के आलू, कैसे भी इसे बना लीजिए। और ये लीजिए यहाँ हमने कुछ पीसेस बनाकर तैयार कर लिए हैं, तो चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने तेल अच्छे से गर्म किया हुआ है, एक एक करके हम ये पीसेस तेल में डाल लेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है, तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए ताकि जब आप ये चिकन के पीसेस डालें तो ये इमीडिएटली गर्म तेल की वजह से अच्छे से सेट हो जाते हैं और मसाला तेल में बिल्कुल नहीं छूटता है, आपका तेल बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो देखिए 3 मिनट के लिए मैंने इसे फ्राई किया है, इस पर अच्छा सा कलर आ गया है, आलू भी अच्छे से पक गए हैं और चिकन भी। निकाल लेते हैं इसे और बाकी के चिकन को मैंने सेकेंड बैच में फ्राई कर लिया है, ये भी सारे पीसेस को निकाल लेंगे। तो आप इसे रेड मसाले में, वाइट मसाले के साथ बना सकते हैं, आज मैंने इसे हरियाली मसाले में बनाया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही नए और यूनिक तरीके के ब्रेड रोल्स बनाने की रेसिपी। तो चलिए जल्दी से इस अमेजिंग रेसिपी को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन रोल्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ वेजिटेबल्स की चॉपिंग कर लेंगे, जिसमें मैंने सबसे पहले पत्ता गोभी लिया हुआ है। इसे बिल्कुल हम पतले पतले से थिन स्लाइसेस में कट कर लेंगे। आप चाहे तो स्लाइसर का यूज़ कर सकते हैं या फिर चॉपर में डालकर भी इसे चॉप कर सकते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल इस तरह के लंबे लंबे से थिन स्लाइसेस चाहिए। साथ ही में हम यहाँ गाजर को भी चॉप कर लेंगे। तो गाजर को भी मैंने सेम थिन स्लाइसेस में लंबा लंबा सा कट किया है। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप भी इसे आसानी से कट कर लीजिए। साथ ही में मैंने शिमला मिर्च भी यूज़ की है। वेजिटेबल्स यहाँ आपकी चॉइस है, आप जो पसंद करते हैं वो आप ऐड कर लीजिए, जो नहीं पसंद करते हैं उसे आप स्किप कर दीजिए। तो शिमला मिर्च को भी मैंने ठीक इसी तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है। तो सारे वेजिटेबल्स की पहले हम चॉपिंग करके तैयार कर लेंगे। साथ ही में मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया हुआ है, इसे भी मैं बिल्कुल पतला पतला सा छोटा छोटा सा कट कर लूँगी। ग्राइंडिंग जार में या चॉपर में डालकर हम इसे नहीं ग्राइंड करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फाइन हो जाता है, हमें इस तरह के छोटे छोटे से चंक्स चाहिए चिकन के। तो बहुत बारीक बारीक सा मैंने इसे चॉप कर लिया है और फिर यहाँ पर एक पैन में हम ऐड कर लेंगे 1 चम्मच तेल। तेल जैसे ही गर्म होता है इसमें मैं बटर भी ऐड कर दूँगी तेल के साथ।
और फिर जो चिकन हमने बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप किया हुआ था, सारे चिकन को इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 350 ग्राम्स बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया है। इसे इस तरह से पैन में फैला देंगे और सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक ऐड किया है। अब अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और स्टार्टिंग के 5 से 6 मिनट ना हम चिकन को बिल्कुल हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि इसमें जितना भी पानी है वो रिलीज़ हो जाए और चिकन जो है अच्छे से टेंडर हो जाए, पूरी तरह से गल जाए। तो देखिए मैंने फ्लेम को हाई रखा हुआ है, इसने काफ़ी सारा पानी भी रिलीज़ किया हुआ है और जैसे ही इसमें पानी रिलीज़ हो जाता है ये पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि हमारा चिकन भी सॉफ्ट हो गया है। फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 से 4 मैंने हरी मिर्च क्रश करके ली हुई है। इसे भी 1 से 2 मिनट चिकन के साथ पका लेंगे ताकि अदरक लहसुन का रॉ फ्लेवर ना रहे। सो 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब हमने इसमें ऐड कर लेना है कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ नमक, नमक हमने पहले भी ऐड किया था तो आप हिसाब से ऐड कीजिए। 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून गरम मसाला लिया है। सारे ही मसालों को चिकन में ऐड कर लेंगे और फिर से एक बार अच्छे से कंबाइन करेंगे ताकि सारे ही मसालों का फ्लेवर चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, कंबाइन हो जाए पूरी तरह से। फ्लेम को मैंने स्टेज पर थोड़ा सा लो रखा हुआ है। तो ये देखिए हमारी सिंपल सी चिकन की फिलिंग तैयार होती है। फिर इसमें हमने जो वेजिटेबल्स चॉप करके रखे हुए थे सारे वेजिटेबल्स को इसमें हम ऐड कर लेंगे। साथ ही में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून डार्क सोया सॉस। नेक्स्ट इसमें ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून मैं इसमें शेजवान सॉस भी ऐड कर रही हूँ और फिर ये सारे ही चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो नमक आप हिसाब से ही ऐड कीजिए क्योंकि सॉसेस में भी काफ़ी सारा नमक होता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारी फिलिंग बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्ती लग रही है देखने में ही। तो इसमें हमने काफ़ी सारे सॉसेस का भी यूज़ किया है जो कि इसके टेस्ट को एनहांस कर देता है। आजकल ये वाले सॉसेस सभी के घर पर बहुत ही आसानी से अवेलेबल होते हैं। तो देखिए हमारी बहुत ही चटपटी सी ज़बरदस्ती है चिकन की फिलिंग बन के तैयार हो गई है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ धनिया और थोड़ा सा हम इसमें 1 से 2 चम्मच के बराबर केचप और मेयोनीज ऐड करेंगे जिससे कि फिलिंग में थोड़ी सी बाइंडिंग आ जाती है। एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे और ये लीजिए हमारी बहुत ही ज़बरदस्ती फिलिंग बनके तैयार हो गई है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम साइड में रख देंगे ताकि फिलिंग अच्छे से ठंडी हो जाए और फिर जाते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर हम इन रोल्स को कोट करने के लिए ब्रेड क्रम्स का यूज़ करेंगे। ब्रेड क्रम्स के साथ यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स था, इसे भी हम इस तरह से क्रश करके ब्रेड क्रम्स में ऐड कर लेंगे, मिला लेंगे दोनों ही चीज़ों को। आप चाहें तो इसे सिर्फ ब्रेड क्रम्स से भी कोट कर सकते हैं या फिर आप सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स से कर लीजिए। मैंने दोनों को मिक्स कर लिया है, साइड में रख देते हैं। और फिर यहाँ पर हमने लेना है एक बोल, इसमें हम एक अंडा ले लेंगे। तो अंडा हम ज़रूरत के हिसाब से ले लेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं एक ही अंडा यूज़ कर रही हूँ, इसे अच्छे से फेंट लेना है। और फिर इन रोल्स को बनाने के लिए हमें ब्रेड की ज़रूरत होगी। ब्रेड के इस तरह से हम एजेस को कट करके हटा लेंगे। तब ये सारे ही ब्रेड के स्लाइसेस में से हम सारे जो ब्राउन वाला पार्ट होता है इसका जो एजेस होते हैं इसे निकाल कर हटा लेंगे। तो देखिए मैंने ब्रेड पे से इन एजेस को निकाल लिया है और अब क्या करना है, एक बोल में हम पानी लेंगे और पानी में एक एक करके इन ब्रेड को इस तरह से डिप करना है। बस कुछ ही सेकंड्स के लिए कीजिए, ब्रेड बहुत जल्दी से सॉगी हो जाता है और इसके सारे ही पानी को इस तरह से दबा दबा कर हम स्क्वीज आउट कर लेंगे। फिर इसके सेंटर में हमने जो चिकन की फिलिंग बनाई हुई थी उसे 1 से 1.5 चम्मच के बराबर हम डाल देंगे और इस ब्रेड को इस तरह से रोल कर लेंगे। कोशिश कीजिए कि इस रेसिपी के लिए आप फ्रेश ब्रेड का ही इस्तेमाल कीजिए और फिर इसके सारे ही एंड्स को हम सभी साइड से पैक कर देंगे। बहुत आसानी से ये पैक हो जाता है क्योंकि ब्रेड जब कीला सा सॉफ्ट हो जाता है ना तो बिल्कुल आटे की तरह हो जाता है, बहुत आसानी से चिपक जाता है। और कहीं से भी अगर आपको लगता है ये ओपन हो रहा है तो उस पर थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। और ये लीजिए हमारा ये रोल बनके तैयार हो गया है। मैं आपको एक और बता देती हूँ किस तरह से बनाना है। बस कुछ सेकेंड्स के लिए ब्रेड को पानी में डिप कीजिए, उसका पानी स्क्वीज़ कर लीजिए, सेंटर में थोड़ी सी हम फिलिंग डाल देंगे और फिर इसे सभी साइड से इस तरह से सिक्योर कर लेंगे। पैक कर लिया है मैंने अच्छे से। तो ये लीजिए हमारे बहुत ही आसानी से ये रोल्स बनकर तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ रोल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसे एक एक कर हमें अंडे में डिप करना है और फिर इसे डाल देंगे ब्रेड क्रम्स में ताकि इस पर हम अच्छे से कोट कर लें।
तो बहुत ही आसान सा प्रोसेस है इन ब्रेड रोल्स को बनाने का, बहुत ही सिंपल और क्विक सी रेसिपी है। आप भी इस रेसिपी को आने वाले रमज़ानों में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके ब्रेड रोल्स कैसे बने थे। और फिर इस पर बहुत अच्छी तरह से हम दबा दबा कर इस तरह से ब्रेड क्रम्स अप्लाई कर लेंगे, पूरी तरह से हम इसे अच्छे से कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स में। तो सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए मैं इस पर भी ब्रेड क्रम्स लगा लूँगी। तो देखिए हमारे ये रोल्स अभी फ़िलहाल देखने में ही कितने ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं और ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनकर तैयार होते हैं। तो इसी तरह से सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए मैं सारे ही पहले ये रोल्स को तैयार कर लूँगी, फिर जाएंगे हम इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। तो ये लीजिए हमारे ये रोल्स तैयार हैं, हमने सभी को कोट कर लिया है। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। जब आप फ्राई करें तो पहले आप इंश्योर कर लीजिए कि तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। तेल को मैंने अच्छे से पहले गर्म कर लिया था और फिर हमें एक एक करके इन रोल्स को डाल देना है और कुछ सेकंड्स एक साइड से फ्राई करेंगे। ये बिल्कुल भी टाइम नहीं लेते हैं फ्राई होने में, क्योंकि हमें सिर्फ ब्रेड को क्रिस्पी करना है, ऊपर की जो कोटिंग है उस पर गोल्डन सा कलर आ जाए, बस तब तक ही इसे फ्राई करना है। तो ये लीजिए इसको मैंने साइड्स को पलटते हुए दोनों ही साइड से फ्राई कर लिया है, बहुत ही खूबसूरत सा एक बार कलर आ चुका है। अब इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से ये ब्रेड रोल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। अब बाकी के भी रोल्स को मैं इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अमेजिंग सी और बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। देखिए इन पर भी अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम सारे ही रोल्स को निकाल लेंगे और फिर आप इसे किसी भी तरह की चटनी के साथ, केचप के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर ये तैयार होते हैं। मैं ऐसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो देखिए अब हम इसे देख लेते हैं कि हमारे ये रोल्स अंदर से कितने ज़्यादा अच्छे ज़बरदस्त चटपटे से बने हैं। तो ये लीजिए हमारे ब्रेड रोल्स बनके तैयार हो गए। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन के बहुत ही ज़्यादा आसान और अमेजिंग से क्रिस्पी कटलेट्स बनाने की रेसिपी। तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन चिकन कटलेट्स को बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम्स बोनलेस चिकन लिया है, जिसे अच्छे से वॉश कर लिया था। इसे पैन में डाल देंगे और इसी के साथ इसमें ऐड कर लेना है पानी। मैंने एक ग्लास पानी ऐड किया है और फिर इसी के साथ इसमें आलू भी जाएंगे। तो पहले आलू को इस तरह से हम कट कर लेंगे। एक आलू में से मैं इस तरह से ये चार पीसेस कर रही हूँ। तो जब आप इस तरह से चिकन में ऐड करेंगे तो आलू आसानी से गल जाते हैं। तो जब भी आप आलू जल्दी से बॉईल करना चाहें तो आप उसे कट करके ही बॉईल करें। तो साथ में ही मैं चिकन के ऐड कर दूँगी आलू को भी। फ्लेम को हाई रखा है। तो जब हम चिकन और आलू को इस तरह से साथ में बॉईल करते हैं तो ये इस तरह का टार्ट ऊपर आ जाता है। तो इस टार्ट को हम निकाल लेंगे और हटा देंगे। चिकन और आलू बॉईल होने में 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। तो इसे हम ढक्कन लगाकर 5 से 6 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे और फिर 5 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे ढक्कन हटाकर या आलू गले हैं या नहीं। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं नाइफ़ की मदद से चेक कर लूँगी। तो देखिए ये बहुत आसानी से इसमें प्रिक हो गया है, यानी कि हमारे आलू गल चुके हैं। आलू को हटा लेंगे और फिर ठंडा होने देंगे और इसका छिलका निकाल लेंगे। आलू को सेपरेट कर लिया है लेकिन इसमें अभी भी काफ़ी सारा पानी है, तो हम हाई फ्लेम करके इसके पानी को ड्राई कर लेंगे। साथ ही में इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और 3 से 4 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि हमारा सारा ही पानी चिकन में से ड्राई हो जाए और चिकन भी अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो देखिए चिकन अच्छी तरह से बॉईल हो गया है, पानी भी सारा ड्राई हो गया है और इसे अब हम ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पर एक मिक्सी ग्राइंडिंग जार में हम आलू को ऐड कर लेंगे, इसका छिलका हटा लिया है। साथ ही में चिकन भी ऐड कर लेंगे। तो चिकन और आलू को ठंडा होने के बाद ही हम ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। साथ ही में 3 से 4 हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ। 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और फिर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इसे हम पल्स मोड पर ग्राइंड करेंगे, थोड़ा सा मिक्सर को रुकाते हुए चलाना है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये मिक्सचर बनके तैयार हो गया है। तो थोड़ा सा स्टिकी सा होता है क्योंकि हमने इसमें आलू भी ऐड किए हैं। तो देखिए हमारा ये मिक्सचर रेडी हो गया है। अब इसमें मैं 2 चीज़ क्यूब्स इस तरह से ग्रेट करके डालूंगी। यहाँ पर मैं प्रोसेस चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप जो चाहे वो चीज़ का इस्तेमाल कर ले, या फिर आप इसे
स्किप भी कर सकते हैं, पूरी तरह से चीज़ ऐड करना ऑप्शनल है इसमें, लेकिन चीज़ ऐड करने की वजह से इन कटलेट्स का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दो चीज़ क्यूब्स मैंने इस तरह से ग्रेट कर दिए हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब। तो देखिए चीज़ को भी इसमें बहुत अच्छे से हम कंबाइन कर देंगे चिकन और आलू के मिक्सचर के साथ में। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ये कटलेट्स बन के तैयार होते हैं, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी से अंदर से सॉफ्ट। मिक्स कर लिया है इसे, और फिर इसे थोड़ा सा सेट होने के लिए मैं 10 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख दूंगी, जिससे कि हमारा ये मिक्सचर बहुत अच्छे से सेट हो जाता है और फिर हम इसे जल्दी से कटलेट्स का शेप दे देंगे। तो देखिए 10 मिनट के बाद मैंने इसे निकाल लिया है, ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है। हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि ये मिक्सचर हाथों में ना चिपके। तो देखिए फिर इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर का पोर्शन लेंगे और हल्का सा इसे फ्लैट करना है, थोड़ा सा हम इसे थिक ही रखेंगे। और इस तरह से हम ये बहुत आसानी से चिकन कटलेट्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। सेम प्रोसेस को रिपीट कर लेंगे, थोड़ा सा मिक्सचर लेना है, इसे राउंड कर लीजिए और हल्का सा फ्लैट करेंगे। आप जैसा चाहें वैसा शेप्स दे दें इन कटलेट्स को। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनते हैं ये कटलेट्स, आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो देखिए मैंने सारे कटलेट्स इस तरह से तैयार कर लिए हैं पहले, और फिर चलते हैं इसको कोट करने के प्रोसेस में, जिसके लिए हमें चाहिए अंडा। अंडे को फोड़ लेंगे और फिर इसको बहुत अच्छी तरह से फेंट लें जब तक ये इस तरह से बिल्कुल वाइट सा ना हो जाए। तो देखिए अंडे को फेंट लिया है, इसे साइड में रखते हैं। साथ ही में हम लेंगे ब्रेड क्रम्स और अंडा चाहिए हमें कोटिंग के लिए। फिर एक एक करके इन कटलेट्स को अंडे में डिप कीजिए, इसे अच्छे से कोट कर लीजिए और फिर इसे डाल देंगे ब्रेड क्रम्स में। सेम प्रोसेस को हम रिपीट कर लेंगे, एक एक कटलेट्स को हमें अंडे में डिप करना है और फिर इसे ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट कर लेना है, जिससे कि हमारे जब ये कटलेट्स हम फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से बनके तैयार होंगे। सारे कटलेट्स पर ही अच्छे से दबा दबा कर बिल्कुल अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। तो देखिए सारे ही कटलेट्स पर मैंने बहुत अच्छे से ये ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं, बाकी के कटलेट्स पर भी हम लगा लेंगे। और फिर इस स्टेज पर आप चाहें ना तो इन कटलेट्स को स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसे थोड़ा सा आप डीप फ्रीज़र में 10 मिनट के लिए रख दें, जब ये थोड़े से फॉर्म हो जाए तो इसे जिप लॉक बैग में डालकर आप 10 से 15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और फिर यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रखा हुआ था, तेल अच्छे से गरम होने के बाद एक एक कटलेट्स को ऑयल में डाल देना है और इसे हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तब तक इसे फ्राई कर लेंगे, क्योंकि हमने इसमें चिकन और आलू जो कुछ भी ऐड किया है सारी ही चीज़ें पकी हुई हैं, तो बिल्कुल भी फ्राई होने में ये टाइम नहीं लेंगे। जैसे ही इस पर दोनों साइड से हम पलट पलट कर फ्राई करेंगे, जैसे ही अच्छा कलर आ जाएगा इन्हें हम निकाल लेंगे। तो इस तरह के कटलेट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा क्विक सी रेसिपी और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये कटलेट्स सारे ही निकाल लिए हैं, हम सेकेंड बैच में ये बाकी के कटलेट्स भी फ्राई करके निकाल लेंगे। और ये लीजिए हमारे बहुत ही क्रिस्पी से और मज़ेदार कटलेट्स बनके तैयार हो गए। आप इसे मेयोनीज़ के साथ, चटनी के साथ, केचप के साथ सर्व कीजिए और आने वाले रमज़ानों में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देखिए हमारे ये क्रिस्पी से कटलेट्स तैयार हो गए, इसे हम सर्व कर लेंगे। तो इसे हम थोड़ा सा डेकोरेटिव लुक देने के लिए ऊपर से मैं थोड़ा सा इस पर मेयोनीज ड्रिजल कर देती हूँ। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, देखिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हमारे ये कटलेट्स तैयार हुए हैं। देखिए अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और यमी बनके तैयार हुए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, टिल दैट टाइम बाय बाय एंड टेक केयर। Oh, 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 o